गणपति महाराज मेरे पूरे करियो काज मेरे गणपति महाराज मेरे पूरे करियो काज मुझे पिगड़ी आप ही सवारियो मुझे सदा सुहागन राखियो। फ्रेंड वेलकम बैक टू ब्लॉग, स्वागत है विमलापंथी ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं 12 बजे शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आज का ब्लॉग मैं दोपहर में ही शुरू कर रही हूँ 12 के बाद। और अभी रेडी हुई हूँ और दुपट्टा मैंने वही पहन लिया है। और आज मेरे मांग भी वो सूखी वाली भरी है, इसकी राखी बन चुकी है। और मेरी मेहंदी भी ज़्यादा काली तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छी डार्क महरूम हो गई है। पैरों की भी अच्छी हो गई है जी, हाथ बता रहा है अपना। और आज भुंजरियों का दिन है तो लावण्या तनी सरसू हम सब रेडी हो चुके हैं। ममता ने सुबह ही नहा के भुंजरियों को नाश्ता भी करवा दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू करा मैंने, क्योंकि आलस आता है थोड़ा मायके में। तो फिलहाल चलो खाना या फिर नाश्ता कुछ कर लेते हैं। अभी खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, तो मैंने बनाया है फरार। तो क्योंकि दिनेश करे था आज व्रत, तो फरार बनाया है, तो खाते हैं कुछ नाश्ता या रोटी वोटी, कुछ पेट भरते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब खाना खा रहे हैं अकेले अकेले। तुमने फरार पढ़ लिया? मैंने बेराज, कौन है मेरा? खाना खाया कब? खाया फरार था वो। तो फरार तो मैं कह रही हूँ, तो फरार खाना होता है क्या? मैंने कहा तुमने फरार खा लिया, तुमने कहा नहीं, तो हमारा कौन बिरतेगा? हम लोग खाना है, खाना फरार बनाया था। ममता में हर्षु और जो तनिष को क्या हो गया तो भैया आ जा खाना खा लो। खाना खा के फिर मिलते हैं ब्लॉक में। ऊपर बोर हो रहे थे, भाभी भैया आए हैं, तो भैया तो अभी नहीं, भाभी हैं ऊपर नीचे वाले कमरे में। अभी आई हूँ तो अपन मिलते हैं मछलियों से। हाँ तो इस सार का आ रही है भैया, ये क्या खसका देती हैं क्या पूरे? वो एक बिचारी पिछली बार आपने देखा होगा, वो नई आई थी, वो घर में ही घुसी है, उसके उसकी पूंछ दिख रही है। यहाँ से दिखेगी आप लोगों को, ये देखिए इधर से नहीं दिख रही। हाँ वो उसकी आँख चमक रही है, इधर से दिख रही है उसकी पूंछ, ये देखिए इधर से पूंछ दिख रही है उसकी। ये हमारी बड़ी बड़ी शैतान मछलियाँ, इससे डर के रहती है वो, जो सबसे बड़ी है ये ना। हाँ दिख तो रही है, देख वही है, ऑरेंज है बड़ी, उसके बाद जो सफेद है बड़ी, ऑरेंज लगती है, मुझे लगती है बड़ी। देखो ऑटोमेटिक ही इसके वो पंख टाइप छिल से गए हैं ना, काम करना पड़ता है, वो खुद ही बदलते हैं ना वो। क्या होता है बेचारी, इसको तो देखो गर्मी में दुबली पतली, ये अंदर ही घुसी हुई है डरपोक की। यहाँ से दिखेगी ये देखो, एक इधर हैगी, ये देख सकते हो आप, एक इसकी पूंछ दिख रही है। हेलो गाइस, नन्नू मामा बेटे मोबाइल तुम लागे वाले कितने मजा आते लगे क्या? राखी बांध दी, बांध दी राखी, बांध दी, बांध देगी, बांध देगी, बांध ना भाई। अरे पाँव तो इतना बड़ा पाँव हाथ नहीं दिख रहा, देख तुम्हारी वाली का टपका है, जबरदस्ती हो रही है। हमने तो अच्छे से बांध दी थी मिठाई, इसने पहले खिला दी और राखी बंद रही। जाएगी तेरी मिठाई ले, पकड़ अब पेड़ पर हमारे ले।
ले पा रहे हमारे पैर डर नहीं पड़ता वो तो मिठाई देख रहा है पैर पर वो बुझानी ले लेंगे दादा सुखी रहो लावण्या बुझानी हो रही है हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ की बुंजनियाँ खराब हो गई हैं इस बार निकल रही हैं हम तैयार भी नहीं हो पाए ऐसे कैसे हैंगे यहाँ मोहल्ले में वो देखते हैं इतनी कंजूसी आ गई कटोरी नहीं है हाथों में रख रख के ला रहा है यहाँ कहीं कहीं बनाना पड़ेगी बुंजनी आएंगी तो भैया बनाना तो पड़ेगी हमें भाभी कह रही उनकी वीडियो बना उनकी बनाएंगे हम वीडियो देखो तुम्हारी बनाएंगे हम वीडियो देखो आवाज नहीं आ रही गायक लगाई घर में ना पास में ये गायक है हम यहाँ पे बजरियों में लाछाड़े दे रहे हैं सब जने मैं यहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ ए भाभी को बड़े मजे आएंगे भाई गाय नहीं रही कोई सी भी एक लगा लेते हैं और रखिए बुआ गेहूँ जी हम गब्बा लंगे तुम गाओ तो हम गब्बा लंगे उठाना नहीं आए गब्बा हम लंगे सब सुन सो पट्टा से गा रही गाई नहीं रही कोई बिल्कुल सुन गणपति महाराज मेरे पूरे करियो काज मेरे गणपति महाराज मेरे पूरे करियो काज मुझे बिगड़िया पे सवारियो मुझे सदा सुहागन राखियो मेरे झुमके लालम लाल मेरे करियो काज मेरे गणपति जी महाराज मेरे पूरे करियो काज मेरी बिगड़िया की सवारियो मुझे सदा सुहागन राखियो मेरी बिटिया मेरी छोड़ी लालम लाल लालम लाल मेरी छोड़ी लालम लाल मेरी लालम लाल मेरी माहौरे रंग ना बिगाड़ियो सदा सुहागन राखियो जी कब हो रहा है मुझे नहीं ले लेंदे बिन्ना मुझे भी तो दो कब बस हो रही है पैर पड़ने की याद दिलाना पड़ेगी दंगे दंगे मम तो मौसी से लो हमें भी लेंगे बजरी अर्चे तक कान में फंसाई बैठी हुई है मेहरबानी राखी हाँ।